नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और चल सिनेमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईद आ रही है और भाई आ रहे हैं, तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टाइम टू टॉक अबाउट सलमान खान, द मेगा स्टार, द सुपर स्टार, द फिनोमेना। आई मीन वर्ड्स कम पड़ जाते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, बट सलमान खान इज ह्यूज बाय एनी यार्डस्टिक वी मेजर। दोस्तों, पर्सनली मैं जब भी सलमान खान का नाम सुनता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, बिकॉज द काइंड ऑफ मनी वी एग्जिबिटर्स, स्पेशली सिंगल स्क्रीन ओनर्स, मेक फ्रॉम सलमान खान फ्रॉम सिंस द लास्ट आई मीन सिंस वेन एवर ही इज बीन अराउंड, ही इज बीन अ ह्यूज मनी स्पिनर फॉर अस। सो इस ईद पे आई मीन इट्स गोना बी नियरली 30 ईयर्स ऑफ सलमान इन द इंडस्ट्री, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम टू टॉक अबाउट हिम एंड वॉट मेक्स हिम सो ग्रेट। आई मीन सलमान खान की करियर की अगर आप शुरुआत की बात करें, तो उन्होंने एक बहुत ही छोटी सी साधारण सी फिल्म से अपनी करियर की शुरुआत करते हैं, बीवी हो तो ऐसी, जिसमें कि वो फारूक शेख के सपोर्टिंग रोल में रहते हैं, और वहां उसके बाद उनकी बहुत एक बड़ी फिल्म आती है, जो छोटी सी फिल्म थी लेकिन वो बड़ी हो जाती है, मैंने प्यार किया। एंड सिंस देन दिस मैन हैज नेवर स्टॉप्ड, दिस मैन हैज नॉट सीन अ वेरी लॉन्ग फेज ऑफ फेलियर्स, and this man has consistently grown at the box office. हाँ, कुछ एक दो साल कभी कभी ऐसे फेजेस आए हैं सलमान के जहां पे उनकी फिल्में उतनी अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई जितना होना चाहिए था, लेकिन बट स्टिल ही हैज बाउंस बैक। तो इनके करियर की शुरुआती में अगर हम देखें, तो इनकी जो फिल्में थी वो मैंने प्यार किया के बाद, जैसे बागी हो और इस तरीके की फिल्में थी, वो भी काफी अच्छा बिजनेस कर गई थी, कुर्बान हो, बागी हो। उसके बाद में एक 94 में बहुत बड़ी फिल्म आती है, हम आपके हैं कौन, सूरज बड़जात्या के साथ, दैट ऑल्सो डज ट्रिमेंडस बिजनेस। तो अब उसके बाद भी सलमान खान अपने जो लेट 90s है उसमें भी एक बहुत ही पावरफुल अपना एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा का इमेज बना के रहते हैं, एंड ही कीप्स ग्रोइंग। Then he hits a slight low phases in the 2000s. Then also comes more films like Garv, etc., etc. तो फिल्में आती रहती हैं, 2007, 2009 में एक पार्टनर जैसी फिल्में आती हैं, and then his association with David Dhawan also happens. तो सलमान खान has consistently been giving us hits. लेकिन जो उनका जो golden period है, which I think we need to talk about more right now, is the period which starts from Dabang. Now Dabang के बाद में सलमान खान बॉलीवुड के वाकई में दबंग हो गए। आई मीन इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस ही इज अनचैलेंज्ड, हिज ओपनिंग इज अनक्वेश्चनेबल। आज हमने थोड़ा सा ग्लिम्स देखा था उस पोटेंशियल का वांटेड में, वेयर द सिंगल स्क्रीन्स वेयर ऑन फायर। आई मीन बहुत दिनों के बाद हमने इस टाइप की ओपनिंग सिंगल स्क्रीन्स में देखने को मिली थी, जो हमें 2009 में वांटेड में देखने को मिली थी। बट 2010 में जो दबंग आई, that blew the lid off everything and that put Salman in a different bracket altogether. Aur Dabang ke baad Reddy, Reddy ke baad Bodyguard, Bodyguard ke baad Tiger and Kick etc etc, and this man has not looked back since then. Blockbuster pe blockbuster, blockbuster pe blockbuster filmein aati gayi, and today Salman is probably one of the biggest stars in India. I mean not even India, I think probably in Asia and probably one of the biggest in the world if you just talk about star power. क्वेश्चन ये है कि सलमान खान इतना बड़ा स्टार कैसे हैं, क्यों हैं, और आज भी 30 साल बीत जाने के बाद भी उनकी बॉक्स ऑफिस ड्रॉ में कोई कमी नहीं दिखती है, लगता है कि बढ़ते ही चली जा रही है। सो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजंस इज दैट सलमान खान ने अपनी इमेज को, जिस दिन से उनकी लॉन्च हुई है, उन्होंने अपने इमेज को बहुत प्रोटेक्ट करके रखा है। और सलमान खान के साथ एक और सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या होती है कि जो आपको दिखता है सलमान के रियल लाइफ में, वही आपको रियल लाइफ में भी मिलता है। रील और रियल में बहुत कम का डिफरेंस रहता है। सो एक जो पुराने जमाने के सुपरस्टार होते थे, जो कि एक अपना प्रॉपर इमेज मेंटेन करते थे, सलमान खान हैज मेंटेन दैट इमेज। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सलमान खान ने कभी भी अपनी ऑडियंस को बिट्रे नहीं किया है, इन द सेंस दैट ही हैज नेवर गॉन and made a film which will be catering to a niche audience or catering to a different audience. He has always made his films cater to a broad audience. जो उनकी एक बड़ी audience है पूरे देश में, उनके लिए वो हमेशा अपनी फिल्में बनाते रहे हैं। एक तो उनकी बहुत strong image, उसके बाद में उनकी जो फिल्में आती हैं वो हमेशा ज्यादा मतलब westernized नहीं होती हैं, rooted होती हैं इंडिया में। सलमान जो characters भी जो play करते हैं, देखिए सलमान खान जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं वो उनके जैसे ही होते हैं, उन्हीं के तरीके के होते हैं जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स होते हैं। हाँ, हालांकि उन्होंने ट्यूबलाइट में ट्राई किया था
टू प्ले अ कंप्लीटली मेंटली चैलेंज्ड पर्सन बट दैट डिड नॉट वर्क आउट बट इवन दैट फिल्म मैनेज टू डू 120 करोड़ ऑफ बिजनेस विच इज ह्यूज बाय बॉलीवुड स्टैंडर्ड्स. लेकिन पॉइंट ये हो जाता है कि सलमान कभी भी अपने इमेज को नहीं छोड़ते हैं. उनकी मैक्सिमम फिल्में उनकी इमेज के हिसाब से होती हैं और उनके फैंस को सलमान सलमान मिलते हैं हर एक फिल्म में. देखिए सलमान खान अपने ब्रीड के आखिरी सुपरस्टार हैं जो इस इतने बड़े सुपरस्टार हैं. आई डोंट थिंक वी गोना गेट स्टार्स एज बिग एज सलमान आफ्टर सलमान बिकॉज सलमान इज इन अ लीग ऑफ हिज ओन. ये एक पुराने जमाने के जैसे सुपरस्टार हुआ करते थे जो कि अपने इमेज के बारे में बहुत कॉन्शियस रहते थे, अपनी इमेज के लिए फाइट करते थे, प्रोटेक्ट करते थे, फिल्में भी उसी हिसाब से बनाते थे. सलमान उसी तरीके का काम करते हैं. सो ही हैज नेवर गॉन बियॉन्ड दैट. ही हैज ऑलवेज मेंटेन्ड दैट सॉलिड इमेज. और उनकी जो रियल लाइफ में भी जो एक इमेज है, एक मैन विद अ गोल्डन हार्ट. हाँ गलतियां करते हैं, गुस्सा आता है, इरेशनल बिहेवियर है, लेकिन सब है. लेकिन अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट इज व्हाट इज द कोर ऑफ सलमान खान्स ब्रांड पुल और इमेज. एंड आई थिंक दैट फ्लोज इनटू द फिल्म्स आल्सो. और जो उनका जो उनके प्रति जो उनके फैंस का जो अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम इसी कारण से होता है कि दैट गोल्डन हार्ट की भाई जो पूरा उनको देश भाई बोलता है वो इसीलिए बोलता है कि यू सी हिम एज अ डिपेंडेबल अ गाय हुम यू कैन फॉल बैक अपॉन. उनके दोस्त भी यही कहते हैं. सो दैट इमेज ऑफ सलमान एज अ पर्सन फ्लोज ऑन टू द सिनेमा एंड आई थिंक दैट इन सेल्फ इज अ ग्रेट एट्रीब्यूट टू डू. बाकी एक्टर्स अगर आप आज के समय में देखें तो वो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं. सलमान बहुत कम कैरेक्टर्स प्ले करते हैं. सलमान अपने आप को ही हमेशा फिल्मों में प्ले करते हैं. ही इज लाइक हिमसेल्फ. जैसे वो आपको रियल लाइफ में दिखेंगे वैसे ही फिल्म के पर्दे पे दिखेंगे. और लोग यही देखने बार बार आते हैं और यही लोग सबसे ज्यादा इंजॉय करते हैं और इसी पे लोगों का पैसा वसूल आता है. लोग सलमान खान को देखने आते हैं एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. नॉट द कैरेक्टर ही इज प्लेइंग बट सलमान खान को देखने आते हैं एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टूडेज एक्टर्स एंड सलमान खान बिकॉज सलमान खान स्टिल मैनेजेस टू कीप दैट. सो सलमान खान की फिल्म है, दैट इज मोर देन एन अश्योरेंस इनफ कि अब हमें ये फिल्म में जाना है कि हमें इसमें पूरा मनोरंजन मिलेगा. सो ऑल इन ऑल ही हैज मेंटेन दैट इमेज. ही हैज गारंटीड एंटरटेनमेंट एंड ही हैज दैट लार्जर देन लाइफ इमेज. उनकी रियल लाइफ में भी वो लार्जर देन लाइफ इमेज है एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स इट मेक्स ऑल द डिफरेंस बिटवीन एन एक्टर एंड दिस काइंड ऑफ अ सुपरस्टार. एंड दैट्स व्हाट मेक्स सलमान खान सो ह्यूज. उनका जो एक रियल लाइफ का जो इमेज है वो जब स्क्रीन पे फ्लो करता है तो वो इक्वली बिग है जो कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिलता है. और इसीलिए लोगों को इतना मजा आता है सलमान खान को देखने में और हम इतना इंजॉय करते हैं. उनकी 5 तारीख को भारत रिलीज होने जा रही है एंड आई थिंक भारत विल इज सेट टू टेक अ वेरी गुड ओपनिंग. लोगों को फिल्म के ट्रेलर ठीक लगे हैं, लोग को गाने पसंद आ रहे हैं और ईद का मौका है. डायरेक्टर बहुत जबरदस्त हैं, पुरानी एसोसिएशन उनके साथ में काफी अच्छी रही हैं, सुल्तान और टाइगर जिंदा है. सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम भारत को भी ओपनिंग नहीं लगेगी. क्वेश्चन है कि फिल्म कहां तक जाती है उसका वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करता है. बट सलमान एज अ स्टार इज नॉट गोइंग टू फेल यू. ही इज गोइंग टू गेट दैट ओपनिंग बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स. इमेज, लार्जर देन लाइफ इमेज, एक अपनी ऑडियंस को कभी चीट नहीं करना, करेक्ट प्रोडक्ट उतारना मार्केट में. सो आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स दैट कम इन टू प्ले मेक सलमान खान व्हाट ही इज, अ ट्रू लेजेंड. थैंक यू.